समस्त प्रथम नमस्कार मधुबाबू भत्ता बंटन कार्यक्रम आज आम बहुत गोटे खुशी मुहूर्त आमर समस्त माँ मान माँ मान समस्त समस्त जो मैंने आम समस्त भत्ता जो मैंने पाइबे समस्त आज भत्ता पाँच समस्त आज गोटे खुशी मुहूर्त यह मुहूर्त आम सहित अच्छा आमर रेमुणा निर्वाचन मंडल विधायक महोदय उपस्थित अच्छा आम सहित आम कार्यकारी मंगराज भाई आमर अच्छा रेमुणा एनएससी रेमुणा एनएससी भाइस चेयरमैन आ काउनसिलर मैंने अच्छा आ समस्त रेमुणा एनएससी आमर समस्त माँ मान समस्त जनसाधारण मान समस्त हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा आमर माननीय मुख्यमंत्री ए भत्ता आपण मानू दौंती आपण मैंने जानते आपण मान भत्ता आपण मैंने दीर्घ दिन आपण मैंने पाइपार नाते षाठी वर्ष होगापर आपण मैंने जो मैंने सब भत्ता पाँच आ जो मान सब भिन्नक्षम भत्ता पाँच आपण मैंने बहुत दिन एप्लाय कर आसुले से मैंने भत्ता पाँच आउ जो मैंने भी भत्ता पाई जो मान भत्ता है ना से मैंने एप्लाय कर विधायकों प्रचेषार से मैंने जो मैंने अल्प दु तीन दिन जो मान भत्ता है ना कैनसल हो जा विधायकों प्रचेषार से मुख्यमंत्री पाखे बसिकी दु तीन दिन तले आमको खबर दे जो मैंने भत्ता पाई एप्लाय तुरंत एप्लाय कर से मैंने दु तीन दिन भितर से आम एप्लाय भी करीघ्र भत्ता भी आसीज से मैंने भी यथाशीघ्र से भत्ता पाई मानने से मानू भी खुशी खबर मिलजि भत्ता मान माँ मैंने मौसी मैंने जो मैंने भत्ता जो 500 टाँचा भत्ता पाती पुओ मैने गुजराण मेटे पारती बहुत किसी से भत्ता बहुत किसी गुजराण मेटे बहुत किसी हुए से बाबद समय तो बहुत समय सापेक्ष आपण मान से बाबद मंगराज भाई अच्छा सी आप बहुत भल भाव अनुरोध कर धन्यवाद आजिकार रेमुणा एनएससी रे जो मधुबाबू भत्ता योजन आज जो समस्ते आनएससी रे सब वार्ड्रु माँ मैंने जो मैंने भत्ता पाइबा उपयुक्त से रखा जाए जो कार्यक्रम उपस्थित आम प्रिय विधायक एवं एनएससी रो अध्यक्षा दनुजा दीदी महोदय एनएससी रो उपाध्यक्ष आइसन भाई एवं समस्त वार्ड काउनसिलर भौणी माने एवं भाई माने आज आम मुख्य अतिथि आम विधायक आम सुधांशु शेखर पैडा महोदय आज सब खुशी कथा जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो माने कि आमर ये उड़ीसा रे भत्ता पाइबापी उपयुक्त थिले एवं किछि पाई नथिले बहुत दिन धरिक अपेक्षा करके थिले माननीय मुख्यमंत्री आज से मानू भत्ता दौंती आज जो कथा सारा ओडिशा देखुची जे ये भत्ता का कार्यक्रम जिते गोटे माँ को पु पचारूना जोबले से बुढ़ी माँ जड़े गोटे हर्लिक्स खायापी हो कि तार औषधपाई हो पु को हाथ पतला पु जोबले दवापाई अराजी होती समय से क्षेत्र में आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पु भाया ड़ा होती से भत्ता दूसर यू बड़ कथ कि ना आज से आपण मानक नवीन पटनायक आज माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार आज आपण भत्ता दौंती आउ कि वार्ड में जो मैंने आपण मैंने आज पाई कि वार्ड में किसी किसी लोक जो मान षाठी वर्ष ऊर्ध होना से आपण मैंने किसी मान असुविधा ना सी पी पांच दस दिन भितर आपण मैंने जो वार्ड में आपंकर एनएससी एक्जुट अफिसर अच्छा एनएससी चेयरमैन अच्छा भाइस चेयरमैन अच्छा आपण एरिया जो मैंने काउनसिलर अच्छा मध्यम तार ना पुणी आउ थे पंजीकरण करूँ ऑनलाइन करूँ कलापर से पुणी आम विधायक जाइए चार दिन तले मुझे विधायक सहित
माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक साक्षात करी पांच दिन आगुरु जो विधायक दाबी उपस्थापन करथिले रेमुना ब्लॉक पाई और एनएससी पाई से दाबी को माननीय मुख्यमंत्री सुनिछंती एवं ए गुटे आसी गुटे अर्डर आसी जो मान रही वंचित होती आउ थे ऑनलाइन करके भत्ता दि जा सब खुशी कथा जे आम रेमुना एनएससी है रेमुना एनएससी प्रथम चेयरमैन तनुजा गिरी एवं प्रथम वाइस चेयरमैन आईसन भाई एवं रेमुना एनएससी हम विधायक को जो प्रचेषा रेमुना एनएससी गठन करागला आम प्रथम भत्ता आम विधायक का हाथ रू आज बंटन करवा मान्यवर मुख्यमंत्री से पु हिसाब से खर्च पाई दौरान बहुत भल कथ गोटे कह अनुरोध करी विधायक मोदी सी आपन को किसी ए बाबद किसी वक्तव्य धन्यवाद सानी तनुजा जो सारा ओडिशा रे भाई माने टिके पाछ बटे से बटे टिके पार्टी करियो ने टिके है भाई ये रेमुना एनएससी नो ओडिशा रो प्रति जिला रे प्रति ब्लॉक रे प्रति अर्बन एरिया जेडा सहरांचल सब जगह रे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक निर्देश क्रमे गत काली अगस्त 15 रु जमी अधिकार आईन रे भूमिहीन को पट्टा दि जाऊँ जो माने बुढ़ा बुढ़ी जो माने 60 वर्ष रु अधिक जो मानक भत्ता दि जाऊँ भिन्नक्षम मानक भत्ता दि जाऊँ स्वामी जदि क्या किए छाड़ दे परिस्थिति में भी इनिट्यूट भी भत्ता दि जाऊँ किए जदि स्वामी वियोग विधवा हो जाता भत्ता दि जा रे विधायक है 2019 रु आम नुआ कर भत्ता टार्गेट सेम ब्लक को एनएससी के आसुन दि जाऊला भत्ता केमी ना गोटे पंचायत रहा जन को भत्ता मिलू प्रत वर्ष दि चार जन किए वयस्क एक्सपायर्ड करेंगे डेथ होगा से डेथ वैकेंसी अगेंस्ट भत्ता दि जाऊला किंतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक निष्पत्ति ने जे ओडिशा रे आउ 4 लाख लोक को एभली भाव में भत्ता दि जा निष्पत्ति नेला गत काली जो लोकसेवा दिवस भी ओडिशा पालन करुच्ची काली माननीय मुख्यमंत्री सारा ओडिशा रे ए भत्ता बंटन पर निर्देश देते आम बालेश्वर जिला को 23,000 भत्ता आईस हजार भत्तार आमर रेमुना ब्लक 2300 पखापाखि अच्छी 2300 पखापाखि भत्ता अच्छी देखु थी बहुत जन माने किसी कारण रिजेक्ट हो जाटा भी माननीय मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण करी एवं रेक्टिफाई करप्लाई करें तो आज ब्लक बंटन करके आसी रेमुना ब्लक करके आई एनएससी बंटन आरंभ होम सहित अच्छा आमर स्थायी अध्यक्ष तनुजा भौणी रेमुना एनएससी आमर उपाध्यक्ष अच्छा आयसन भाई आमर शुभेन्दु बाबू अच्छा शुभेन्दु दास मंगरा आम सहित अच्छा आमर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेमुना एनएससी एवं आपण माने जो माने भत्ता पाइबा योग्य बेचित होती प्रायत जो माने 60 वर्ष रु अधिक ना भत्ता पाइबे ना तेणु मो पाखर से निश्चित भाव में गुरुजन मुझक समस्त प्रणाम जनाऊँगी एवं अन्य माने जो माने अच्छा आपण भिन्नक्षम हूँ वैध हूँ टेस्टिज्यूट समस्त मोर नमस्कार प्रणाम एवं मुझे अभिनंदन जनाऊँ धन्यवाद दूसरी जो मैंने भत्ता बंटन कर सरकारी सिस्टम जो मैंने अच्छा से कार्यरत अच्छा शुभेच्छा जनाऊँ कहते शुभेन्दु बाबू ये 4.5 कोटी ओडिया आम गोटे पर एकथा कहती आम मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से कहते ओडिशा मो परिवार
ଏଠି ପ୍ରତିଟି ସଦସ୍ୟ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ସେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ସାଥୀ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବସିଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 20 ବର୍ଷ ବା 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଦିଗରେ, ଆପଣ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବେ, ସ୍କୁଲ ସବୁ 5 ସ୍କୁଲ, ଆଜି ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଟା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଆଜି ଯୁଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଗୁରୁଜନ ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ ଝିଅ କେତେଜଣ ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ସେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଧରେ ଭାରରେ ବାପା ମାଆକୁ ତୀର୍ଥ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଆଜି ସମାଜ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେଉଛି, ତଳକୁ ଯାଉଛି, ଅଧପତନ ହେଉଛି ସମାଜର। ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଔଷଧ କିଣିକି ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ ଟିକେ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ହର୍ଲିକ୍ସଟେ ଖାଇବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବହୁ ଆଗରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିଲେ, ଯିଏ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ମିଳୁଥିଲା କେତେ ନା 80 କି 100 ପଢି ପଢି ସେଟା 300 ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ତାକୁ 500 କଲେ, ଆଉ 70-80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କୁ 700 ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ କରିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି 4 ନୂତନ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କିଏ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2018-19 ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଦ ଦେଲି, ମୁଁ ବସିଥିଲି ଗୋଟେ ସଭାରେ, ଆମରି କେହି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ମନ କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜ କଥା ନୁହେଁ, ଜଣଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଟାକୁ କହୁଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ 2000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆମକୁ ଆଜି ସୁଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି 50,00,000 ଦିନ